तौर ऐसी व्यवस्था की जाए कि हमारा फ्रूट जो है जो रुका हुआ है, हजारों गाड़ियां जो रुकी हुई है, यही दोहराना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारी जो एप्पल है, फ्रूट है, ये 70% लोगों को यहाँ पर रोजगार फराहम करता है। देने वाला अल्लाह है, लेकिन यही एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 70% लोग इससे जुड़े हुए। ये हमारा कहना नहीं है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सरकार का भी ये मानना है कि 70% लोग इससे जुड़े हुए। लेकिन अगर आप देखेंगे आज हमारी जो ये फ्रूट का जो इशू है, ये बहुत से इश्यूज इसको इसका दर सामने है, उनमें इमीडिएट जिन इश्यूज को हम जो बहुत सारे इश्यूज हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो इमीडिएट रिड्रेसल चाहता है सरकार की ओर से, वो ये है कि जो हमारा फ्रूट एप्पल है, पहले इस पे आप देखिए इसमें खर्चा कितना हमारा आता है, चाहे स्प्रेज हो, पेस्टिसाइड्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, उसके बाद किराया, उसके बाद जिसे आपको बॉक्सेस लाने पड़ेंगे, तो उसमें ये 500-600 रुपए का घर में ही तैयार एक फ्रूट ग्रोअर को होता है। उसके बाद अगर आज आप देखेंगे जब ये फ्रूट तैयार हुआ था, लोगों ने लोन लेके, कर्जा लेके और इस एप्पल पे बहुत मेहनत किसान ने की थी और ये उम्मीद थी कि आज उसको ये जो फ्रूट है इससे एक मुनाफा मिलेगा, लेकिन बदकिस्मती है अगर आप देखेंगे कि पूमी शहरा पे पिछले 8-10-15 दिन से हमारी जो लोडेड ट्रक्स है वो रुकी हुई है, वो फंसी हुई है, और उसका ये रिजल्ट है कि वो हमारा सेब जो सड़ रहा है और उससे बिल्कुल उसमें दो राय नहीं है, हमारा पूरा एप्पल जो है उसे खराब हो रहा है। वो यहाँ के जो लोग है, आम लोग है, किसान है, फ्रूट ग्रोवर है, उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। आज हमारे फ्रूट एसोसिएशन के लोग जो है, परसों हम वहाँ काजीगुंड गए, हमारे काका जी जो प्रेसिडेंट है या ऑल वैली से बशीर साहब थे, बाकी लोग थे, सबने मिलकर वहां पर प्रोटेस्ट किया और आज उन्होंने शायद श्रीनगर में भी आप ये वो इसमें प्रेस को एड्रेस कर रहे हैं। फ्रूट ग्रोवर्स की जो डिमांड है, जो जेन्युइन डिमांड्स है, उसको सामने रख रहे हैं और हम भी जो उनका जो मुतालबा है उसे सेकंड करते हैं। एज ए फ्रूट ग्रोवर हम पूरा अपना सपोर्ट, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको पूरा उनको सपोर्ट करते हैं, और विद द रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ की एलजी सर एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे गुजारिश है कि पूरी तौर ऐसी व्यवस्था की जाए कि हमारा फ्रूट जो है जो रुका हुआ है, हजारों गाड़ियां जो रुकी हुई है बांग्लादेश के लिए, जो 300 गाड़ियां रुकी हुई है, उसको एलो किया जाए। अगर नहीं ऐसा हुआ, हम पुरअमन तरीके से, गांधी जी के तरीके से, हमने सबने कहा है, हम फिर भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी जो ये अपील है, हमारे डीडीसी तुजर शरीफ ये भी हमारे साथ है, हमने बहुत सब लोगों के साथ बात कल से परसों से कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, बाकी लोग हैं, एमपीज हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि हमारी इसमें मदद करें। हमें उम्मीद है कि हमारी जो ये जेन्युइन पुकार है, इट विल नॉट फॉल ऑन डेफ एयर्स, सरकार हमारी इस बात को सुनेंगे ये हमारे साथ, वरना बहुत ज्यादा नाइंसाफी होगी अगर वो हमारे इस एप्पल को इस तरीके से वहां पर सड़ने देंगे। ये हमारे साथ और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम कोई कन्फ्रंटेशन लड़ाई नहीं चाहते हैं। हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारी जायज मांग को सुना जाए, इस एप्पल को एलो किया जाए। और आपको बताना चाहता हूं, फ्रूट ग्रोवर्स ने, एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया था संडे और आज के दिन बंद रहेगा और सब लोग इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी जो जायज मांग है हमें ये सुनी जाएगी और लोगों को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो भूख हड़ताल पे चले जाए। शुक्रिया।